ये खाना वाना बनाते हैं, ये देख सकते हो नदी करके दिखा रहे, अभी इसको धो के रख दिए कि सूखने के लिए रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं जो खाना, ये चाय के, इसमें चाय बनाते हैं, इसमें ना चाय वगैरह। श्री राम, नमस्ते दोस्तों, कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ कि एकदम मस्त होंगे और आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जो हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूसरा गांव है, जो उधर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वो किस तरह के उनके घर वगैरह बने होते हैं, किस तरह के उनके घर वगैरह बने, किस तरह के मना वो रहते हैं, चलो आज को आपको दिखाते हैं। दोस्तों पहले मेरे चैनल को आप लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा प्यार से हमारे लिए कमेंट कर दें। चलो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको दिखाएंगे आज जो हमारे हिंदू भाई के घर होते हैं वो किस तरह के रहते हैं। अभी हम आ चुके हैं हमारे घर के गाँव के बराबर में एक घर है, वो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये सारा हमारे हिंदू भाइयों का घर है, चलो आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारे जो हिंदू भाई के ये छोटा सा ललका है, ललका देख सकते हैं ये पानी वगैरह भरते हैं, ये गैलन भी पानी का पड़ा हुआ है, ये गैलन पानी अभी भी इसमें पानी का भरा हुआ है। ये ललका हुआ देख सकते हैं, ये ललका लगा इस तरफ, और इस तरफ भी पौधे वगैरह भी लगे हुए क्योंकि बारिश आ चुकी थी इस तरफ भी, और इस तरफ आपको दिखा, और इस तरफ आप देख सकते हैं जो इधर कमरे वगैरह अभी इसमें का काम नहीं हुआ है कि सारी DPC वगैरह उनकी दीवार वगैरह छोटी सी बनी हुई है। ये आप देख सकते, और ये आप देख ये आपको दिखा रहे हैं जो बर्तन वगैरह पड़े हैं, इस तरह बर्तन वगैरह पड़े। ये आप दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते, ये मुर्गियों के लिए, ये मुर्गियों का कमरे बना, घर वगैरह बने हुए इसके अंदर, शाम के टाइम इसके अंदर हुए। और ये देख सकते छोटी सी मुर्गी वगैरह भी इस तरफ घूम रही, और ये है हमारे यू गाँव के अंदर जो हिंदू भाई वो इस तरह के बना घर वगैरह बनाते हैं। अंदर की तरफ आपको दिखा दूँ, ये देख सकते ये अभी सामान वगैरह भी इनके पड़े हुए हैं, और ये बड़ा हुआ गड़े पड़े हुए हैं जो पानी इसके अंदर भर के रखते हैं। ये देख सकते ये इसके अंदर पानी वगैरह भी पड़े हुए हैं, वो ये आप जो काफ़ी तरह के जो हमारे हिंदू भाई गांव के अंदर इसी तरीके से मैंने मुर्गी वगैरह पालते, ये देख सकते हैं आपको दिखा रहे हैं। और इस तरफ से छोटा सा इन्होंने छपरा बनाए हुए हैं जो इधर इधर जो बरसात वगैरह आती है इधर बैठते हैं, चारपाई वगैरह इस तरफ रखते हैं। ये आप देख सकते हैं चूल्हा है इनका, तो इधर ना गैस वगैरह का सिस्टम है, इस वजह से इधर चूल्हे का ये चूल्हा है, तो इस तरह के बना खाना बना लकड़ी से बना, इस तरफ जो इनकी लकड़ी वगैरह पड़ी हुई है। ये देखते ये मुर्गियों के लिए पानी वगैरह रखते हैं वो इसका, ये देख सकते पानी वगैरह इस पर, और इस तरफ आपको दिखा दें, ये देख सकते कि घर के बराबर में छोटी सी नहर है जो पानी की, ये देख सकते ये पानी की नहर है, पानी इस तरफ पानी वगैरह जा रहे थे। और ये आप देख सकते ये छोटा सा पैंप आ रहा है, ये देख सकते जो ललके के अंदर लगा ये पानी आता है, क्योंकि इधर ना हमारे जो इधर गांव के जो बंदे हैं इधर बोरिंग नहीं करवाते, वो 2-3 किलोमीटर आगे बोरिंग करवाते क्योंकि इधर पानी ना वो खा रहा निकल, इस वजह देख दे ये ना इनका ललका वगैरह लगा हुआ सामने, इस तरफ पानी की नहर है छोटी सी आप दिख रहे हैं इस तरफ, और इस तरफ ये सारे हमारा गाँव, ये गाँव है देख सकते, बरसात आ चुकी थी, ये देख सकते हमने आपको दिखा रहे हैं।